अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबी टेक्नीशियंस। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ट्यूबलाइट का चौक, इसको फ्लोरोसेंट लैंप जो ट्यूबलाइट है और ब्लास्ट, तो इसका जो चौक है ठीक है, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट है ठीक है, इसके कनेक्शन ट्यूबलाइट में कैसे करने हैं ये आपको बता रहे हैं। दोस्तों इस तरफ आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा ठीक है लाइन जो है वो इसमें कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल और फेज, 220 की लाइन न्यूट्रल और फेज यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें 1, 2, 3, 4 कनेक्शन पॉइंट है। इसमें ये होगा के ट्यूबलाइट के एक साइड के जो दो वायर होंगे ठीक है वो फर्स्ट और सेकंड में, और इसकी दूसरी साइड के जो दो वायर होंगे 3 और 4 में लग जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि दोस्तों ये ट्यूबलाइट के एक साइड ठीक है, इसमें हमने ये कनेक्टर लगाया है ठीक है। दोस्तों इसमें जो बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्टर बैठा है ये 15 एम्पेयर का कनेक्टर है। इसके बाद इसके कनेक्टर को हमने इन स्क्रू के, इसके जो ट्यूबलाइट के पिन है ठीक है, इन स्क्रू की मदद से इसमें हमने टाइट कर दिए। इसके बाद आगे वाले जो दो स्क्रू हैं उसमें हमने वायर के कनेक्शन कर दिए। अब देख रहे हैं कि इसमें से दो वायर हैं ठीक है निकल रहे हैं, ये दोनों वायर ठीक, ये इसका दूसरा वाला छेड़ा है, इसको हम चौक के 1 और 2 पॉइंट में लगा दें। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इसको मैं, ये छोटा लॉक है इसको मैं दबा रहा हूँ, इसके बाद इसमें वायर मैंने लगा दिया, इसको छोड़ दिया तो वायर देख रहे हैं कि इसमें खुद ब खुद लॉक हो गया। जब आपने इस वायर को निकालना है तो आप दोबारा इस लॉक को दबाओगे तो आप वायर बआसानी बाहर निकाल सकते हैं ठीक है। अभी मैं आपके सामने इसको दबाया ठीक, और वायर इसमें लगा दिया ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला जो इसके बराबर में पॉइंट है इसको दबाया मैंने और वायर इसमें लगा दिया, एक साइड के दोनों वायर ठीक है, ये कनेक्टर एक साइड का ट्यूबलाइट का, और दोनों वायर इसके हमने जो इसके पहले वाले 1 और 2 के दो कनेक्शन पॉइंट हैं उसमें लगा दिया। दोस्तों इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड के दो वायर, दूसरी साइड वाले दो वायर हैं वो हम इसमें लगाएंगे। लॉक को दबाया मैंने, और ये तार इसमें लगा दिया, खींच रहा हूँ लेकिन अब ये निकलेगा नहीं जब तक कि हम इसको, इसके लॉक को दोबारा नहीं दबाएं। इसके बाद दूसरा वायर, इसका लॉक दबाया और दूसरी साइड का दूसरा वायर भी इसमें हमने लगा दिया। आप ये देख रहे हैं एक साइड के दो वायर ठीक है, और दूसरी साइड के दोनों वायर हमने ट्यूबलाइट के इसमें कनेक्शन कर दिए। अब इसके बाद इसमें जो लाइन देनी है मेन तार, उसकी बारी आती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसका लॉक दबाया और ठीक है इसमें लाइन का वायर हमने लगा दिया। इसके बाद लॉक दबाया और दूसरा लाइन का तार हमने इसमें लगा दिया। इस तरह हमने इसमें न्यूट्रल और फेज 220 न्यूट्रल और फेज लगा दिए। तो फ्लोरोसेंट लैंप
ट्यूबलाइट के कनेक्शन आप देख रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स चोक हमने लगाया है बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी हैं, जिसको कि एक आम बंदा भी कर सकता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इसको लाइन दी है और हमारी ट्यूबलाइट जो है वो जो है रोशन हो गई, चलना शुरू हो गई। ठीक है, ये इसको हमने ऑफ़ किया, इसके बाद इसको हमने ऑन किया तो हमारी ट्यूबलाइट जो है वो ऑन होना शुरू हो गई। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है इसके कनेक्शन करना। दोस्तों अगर तो आपको जो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, ठीक है, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।